बोरिसो ग्लब्स के नागरिकों ने सोवियत और जर्मन के मिलिट्री यूनिट्स को सलामी पेश की। दोनों सेनाओं का इस तरह का एक गठबंधन होकर खड़ा होना पूर्वी यूरोप की ताकत बढ़ाने और शांति का संदेश देता है। ये दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा नजर आ रहा है। सोवियत के लोग दोनों देशों के बीच इस रिश्ते का दिल से स्वागत कर रहे हैं और उनमें शांति की लहर दौड़ती नजर आ रही है। सोवियत सरकार की तरफ से आमंत्रित किया गया मॉस्को में उनके आगमन पर जर्मन के विदेश मंत्री वॉन रिबेंट्रोप पोलिश विकास पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री के डेप्यूटी कमिश्नर पोटेमकिन और उनके सहकारियों ने और जर्मन एम्बेसी के पूरे कर्मचारियों ने वॉन रिबेंट्रोप का दिल से स्वागत किया। और अब आखिर में कॉमरेड्स, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं ग्रुप मैन्युफैक्चरर्स के प्रबंधक का और हर उस जर्मन का जो इन शानदार मशीनों को लगाने में और उसे एडजस्ट करने में किसी भी तरह से उसका हिस्सा बने। मैं आशा करता हूं कि सोवियत और जर्मनी के माहिरों के बीच संबंध अमर रहें, ये दोस्ती हमेशा यूं ही चलती रहे, सोवियत यूनियन और जर्मनी के अच्छे संबंध अमर रहें। और हमारे कॉमरेड स्टालिन अमर रहे। देखो, टर्निंग मशीन हमने दूसरे कारखाने में लगाई है। जी, बहुत बेहतर। वो रहा, वो मेरा बेटा है। हेलो एलेक्सेंडर। हाय डैड। इससे मिलिए। हेलो, गुड इवनिंग सरगेज। हाय, मेरा नाम गुंथर है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बहादुर। आज के काम हो जाना चाहिए। देखो वहां क्या कर रहे हो? काम नहीं। गुड इवनिंग। आराम से। हाय सरगेज। गुड इवनिंग। देखो सरगेज, ऐसा है, मुझे लगता है एलेक्स और तुम्हारी बेटी कैथरीन बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। बनने दो, क्या फर्क पड़ता है, हमें अपना काम करना, उस पे ध्यान दो। अरे मेरी बात समझो यार, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को पसंद कर रहा है, ये गंभीर मामला है। वो कैथी को पसंद करता है, वैसे भी उनके बीच बचा ही क्या है। एक मिनट, उसकी नजर है उस पर, ये कब से चल रहा है? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये वैसे ही है जैसे हम अपनी बीवियों को पटाते थे और तुम हमेशा मना करते थे। नहीं नहीं, तुम्हारा अलेक्जेंडर अच्छा लगता है, मुझे वो पसंद है। सही, मुझे वाकई पसंद है। चलो अच्छी बात है, मैं तुम्हें अगले साल हमारे यहाँ जर्मनी में आने की दावत देता हूँ।
नहीं, मेरे ख्याल से मैं मशीनों को पहले वाले कारखाने में लगाना चाहूँ। अभी लगाना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम अभी नाराज हो मुझसे। नहीं नहीं, सुनो दोस्त, मैं अपने काम में इतना खोया हुआ था कि पता नहीं चला कब बेटी जवान हो गई। हो सकता है ये प्यार हो या फिर बचपना, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। के लिए बाहर जाऊंगी। पैसेंजर्स जल्दी कीजिए, बस कुछ ही देर में ट्रेन रूस के लिए रवाना हो रही है। वेलकम ऑफिसर्स, ट्रक आप लोगों के इंतजार में रुका है। चलिए आप लोग उसमें सवार हो जाइए, ले जाओ इन लोगों को। बस ये मत भूलना कि तुम अपने अतीत नेप्रोजस से गुजरने वाले हो। ये रहा आपका ट्रक, ऑल द बेस्ट जेंटलमैन। ठीक है, मिलते हैं। देखो ये कोई पेरिस नहीं है। चलो चलो, कर्नल तुम्हारा काम यह है कि इस ऑपरेशन में शामिल हुई यूनिट को कोऑपरेट करना। मुझे उम्मीद है कि सारी तैयारी हो चुकी होगी। यस जनरल, सही कहा। हमारे कर्मचारी रेडियो मैन ने मेन केबल निकाल दिया है और हमारे सभी इंजीनियर्स बांध की जांच करने में जुटे हुए हैं अच्छी तरह से। बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से हमने एक साथ होने वाले सारे बड़े हादसों को टाल दिया है। तुम देख रहे हो ना इसे?
जनरल आप कहे तो आपके लिए खाना लगवा दूं, समय हो चुका है खाने का। बाद में लगा देना, मुझे थोड़ा काम करना है। रूसियों के बारे में तुम्हारा क्या कहना है कर्नल? माफी चाहूंगा, एक बार फिर से कहिए। खैर ये बात उन्हें पता है कि हम क्या करने वाले हैं। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? उन्हें ये बात अच्छे से पता है ना? रिकॉन की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। देखो कर्नल, उम्मीद करता हूं कि आप समझ सकते हैं कि एक खुफिया मिशन है और अब इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है। जनरल, आपके लिए बेहतर होगा कि आप खिड़की पर ना जाएं। शायद हो सकता है कोई निशानेबाज हो। देखो कर्नल, लेकिन आपका कहना है कि सब कुछ काबू में है, रसियन चुड़ैल कहीं की? नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो, छोड़ो, मैं इसे जान से मार दूंगा। छोड़ दो। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मारना चाहती थी, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तू हट, हट जा मेरे रास्ते से। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा तुझे। तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उठ, चल हट। क्या कहा तूने? तू मुझे मारना चाहती है? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हट, हट, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुझे। क्या समझती है अपने आप को? तू जानती नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। ना रहेगी तू और ना कभी मुझे गाली देगी। मेरा हाथ, मेरा हाथ। तुम गलत कर रहे थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम सेना के जवान हो, शायद तुम मुझे पहचानते हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेफ्टिनेंट, ये रूसी चुड़ैले हैं। मैं इन्हें मारना चाहता था, तुम मेरे बीच में क्यों आ रहे हो? हट जाओ, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। ये चाहे जो भी हो, लेकिन तुम इसे मार नहीं सकते हो, ये गलत है। मुझे यकीन नहीं। कात्या। साशा। हाय कात्या, कैसी हो तुम? कात्या, मैं नदी में जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी? मुझे अच्छी तरह से तैरना नहीं आता है, डूबने का डर है मुझे। ये सच में तुम कह रहे हो? खैर मैं चलूंगी तुम्हारे तो साथ। मैं इंतजार करता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं पलक झपकते ही पहुँच जाऊंगी। आप लोग जाइए, मैं देख रहा हूँ इसे। मैंने कहा ना जाइए, आप लोग जाइए यहाँ से। ये सब छोड़िए और जाइए, जाइए ना, जाइए जल्दी। चुड़ैल, हम लोगों को सिग्नल दे रही है। ग्रेड 45-43, दुश्मन पर निशाना साधो। फायर। जल्दी करो, हमला हुआ है, जल्दी जल्दी। आखिर ये क्या है? मुझे नहीं पता, ये सिर्फ एक हादसा था।
एक हादसा? क्या बात है, ये कोई हादसा नहीं है, ये किसी मजे हुए शार्प शूटर का काम है। माफ करना, यहाँ से आपको आगे खुद जाना होगा बेक, मुझे ऑफिस जाकर रिपोर्ट करना है। यहाँ से आप पैदल चलकर जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जनरल, नहीं तो मुझे यहाँ से 10 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया। समझ नहीं आ रहा, उन्होंने जासूसी के लिए तुम पर कैसे भरोसा कर लिया? तुम धीरे चलना जानती नहीं, हाथी की तरह शोर मचाती हो। जासूसी नहीं कर रही अंकल गोशा, मुझे बात करनी है इसीलिए आई। ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी मुझे हर तरह की बात करना पसंद है। और सुना इस साल मशरूम बहुत आई हैं, सच है? कैट को गायब हुए पहले ही 2 दिन हो चुके, आप जानते हैं हम घबराए हुए हैं अंकल गोशा, और कमांडर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो ये तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है, और केट लंबे मिशन पर थी, कई बार तो उसे लापता मान लिया गया था, और अब तक जर्मनियों ने जंगल में हल्ला मचा दिया होता मानो उनके हाथ में कोई चुड़ैल लग गई हो, ऐसी है वो। खैर छोड़ो, आपको लगता है कि आप ये काम कर लेंगे? मुझसे जो होगा मैं वो करूंगा जनरल। अब हर काम तो नहीं कर सकते, लेकिन एक जरूर करना, अगर फांसीवादियों ने वो बांध उड़ा दिया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, और फिर खुद को भी गोली मार लूंगा। एक कमांडर का फर्ज है कि वो नेप्रोजिस प्रोजेक्ट की रक्षा करने के लिए मौत से लड़ जाए। अरे इस सोवियत पावर के लिए आपको बढ़ा चढ़ा के बताना जरूरी नहीं है, मैं जानता हूं सब कुछ, जो होगा वो करूंगा। करूंगा नहीं, करना ही होगा विक्टर। हाँ जनरल। मैंने तुम्हारे लिए बेहतरीन स्नाइपर्स को छांट कर निकाला है, पहरेदार, इंजीनियर्स, निशानेबाज, यहां तक कि खुद रेडियो नोवा भी। मैंने सबके बीच तुम्हारी उम्मीदवारी को बचाया है, इसलिए तुम मेहरबानी करके मेरी इज्जत रख लेना। जनरल मैं अपने काम को बखूबी संभाल सकता हूँ। आपको पता है उन्होंने हमें क्यों भेजा, लेकिन अब बताएंगे नहीं। अगर तुम निशानेबाज की जड़ पकड़ लेती हो तो तुम खुद समझ जाओ। मेरी आंखें, तुम्हारा दिमाग, नजरें। अंकल गोशा आप जानते हैं ना मैं आपको अपने पिता समान समझती हूँ, और आप हमेशा मुझे ही चिढ़ाते रहते हैं। खैर मैं ये बंदूक लेकर आई थी। क्या खराबी है इसमें? वो तो नहीं पता, बस ये ट्रिगर काम नहीं कर रहा। बेवकूफ, मार दिया होता तुमने मुझे अभी। बेवकूफ, गलती हो गई। हिलना मत, जो जाए वहीं पर रहो, वहीं रहो। बंदूक खराब है। परेशानी की कोई बात नहीं है, एक गन गलती से चल गई थी, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कैप्टन सुबोधिन। ठीक है कैप्टन, कोई बात नहीं, पहले अपनी आईडी दिखाओ। क्या तुम इन्हें जानती हो? नहीं, लेकिन गलती से मेरे हाथ से गोली चल गई। ये लीजिए सर्जेंट। ये क्या है? जोर से पढ़ के सुनाओ जवान। इसमें लिखा है कैप्टन विक्टर सुबोटिन, पूरी तरह से कमान को संभालेंगे। आगे और नीचे जनरल मलिनोवस्की के दस्तखत हैं। माफी चाहते हैं कैप्टन, हमें ऑर्डर दिए गए हैं। अपना पूरा नाम बताओ। सार्जेंट माजेरिन। तो सार्जेंट माजेरिन, तुम 15 सेकंड में यहाँ पर आ गए, जबकि यहाँ आने के लिए तुम्हारे पास 20 सेकंड होते हैं। इंचार्ज कौन है? लेफ्टिनेंट शिशेरिन। उनसे इनाम के दस्तावेज तैयार करने के लिए कहो, जो कि कल सुबह तक मेरी टेबल पर पहुंच जाने चाहिए। समझे कि नहीं? समझ गया सर। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, चलो। असल में मुझे कैटरीना रोडियोनोवा की तलाश है, क्या आपने उसके बारे में सुना? वो कहाँ हो सकती है? वो अब तक मिशन से लौटी नहीं है। ये बू कैसी है, बारूद है? नहीं, रेड मास्को की खुशबू, ये उसे बहुत पसंद है, खासकर मिशन के बाद। एक और बेवकूफ लड़की, जब वो वापस लौटे तो उसकी खबर मुझ तक पहुंचाइए। यस सर। अच्छा आप उनके लिए किस तरह की सेवा का काम करते हैं? मैं हथियार बनाता हूँ। अच्छा ठीक है, एक काम करिए, मेरे लिए
माचिस का इंतजाम कीजिए। एक नहीं, कम से कम 100 चाहिए, या फिर कम से कम 300। जो हुक्म सर, तुम फिक्रमंद थी इसलिए। कमांडर खुद यहाँ आके गए और उन्होंने ये कहा कि हम लोग यहाँ किस लिए और हमें क्या काम करना है। सुंदर नौजवान है। असली शेर। खैर पिछली जगह के मुकाबले मुझे ये जंगल पसंद आया। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई रिसॉर्ट हो। सही कहा। मुझे डर लग रहा है क्योंकि हम जर्मनियों के बहुत करीब रहेंगे। वो हमें यहाँ किस खास मकसद से लेकर आए हैं ये बात कोई भी बताने को तैयार नहीं है। वो तो मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये बारूद के बक्से किस लिए हैं? हम लोग स्काउट्स हैं, इंजीनियर्स नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनसे कोई भूल हो गई हो? लोइस का माफ करना, मैं अभी आया। एक मिनट रुको, मुझे बात करनी है। माफ करना, मेरा सर दर्द कर रहा है बहुत ही ज्यादा। सेना का बाका जवान सर दर्द का शिकार है। हाँ कभी कभी होता है। हो सकता है मैं बता दूँ कि तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हूँ? तुम शायद से लाशों को देखने जा रही हो। चलो चलते हैं। एक खबर है लड़कियों, कैप्टन बहुत अच्छा दिखता है और बिल्कुल जनरल लगता है। अंदर मत आना, अंदर मत आना। क्या मैं अपना परिचय दे सकता हूँ? मैं हूँ निकोलाई तेलियतनिक रिकॉन विभाग से। लड़कियों सलामी कबूल करो। एक तरह से हम साथ में काम करेंगे। मैं घुलने मिलने आ गया था। तुम में से कैटरीना कौन है? वो अपने मिशन पर है हमेशा की तरह। और तुम कौन हो? लूसिया लुडमिला। तुमसे मिलकर खुशी हुई? बिल्कुल, मुझे भी। मिलकर खुशी हुई? टाइटेनिया मुझसे मिलकर खुशी हुई? आपसे भी मिलकर खुशी हुई। मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, बल्कि ट्रॉफी भी साथ में लाया हूँ। ओह शुक्रिया। आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना, मुझे अच्छा लगेगा। शुक्रिया। मैं आपके लिए सूप लाऊं? ओह सूप? हाँ। वैसे कभी पिया नहीं। जब से युद्ध शुरू हुआ है ना, तब से मैंने सूप को पिया ही नहीं है। कांत्या और मीरा, जब यहाँ पर पहला दिन था ना, तो हम रिकॉन गए थे और हमें किचन नसीब हुआ था। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, इससे अच्छा क्या हो सकता है। देखिए कितना गरम सूप है। मैंने आपसे झूठ कहा था। मैंने सन 1941 से आज तक ऐसा सूप नहीं पिया। सच कहूं तो बचपन से नहीं पिया। क्या तुमने बनाया? वो सच कहूं तो मैं कमाल का सूप बनाती है। खुश नसीब होगा जो इससे शादी करेगा। ओ अच्छा। निकोलाई, क्या आप जानते हैं उन्होंने हमें यहाँ क्यों बुलाया? कुछ बताएंगे? नहीं, मैं तो कहूँगा तुम्हारे जंगल की जादूगरनियों और तुम्हारे गिरोह का चर्चा सिर्फ जर्मनी नहीं करते बल्कि हमारे गिरोह में भी होता है, जिसे एक तरह से बहुत शोहरत हासिल है। युद्ध शुरू होने वाला है क्या? हो सकता है कि जर्मन ने शुरू किया हो और हमें अब पता चला हो। खैर हम इसे संभालेंगे और तुम लोग हमें संभालना। तो मैंने एक घंटा बिताने का फैसला किया और यहाँ चला आया और घुल मिल गया। एक घंटा? हाँ। इतना लंबा समय आपको कैसे मिल गया? यहाँ जंगल और बंकर के सिवा है ही क्या? तुम ही थे जो खाइयों में चल रहे थे। हमारे बीच सिर्फ 5 मिनट का फासला था, पता है? मैं रास्ता बता सकती हूँ। ल्यूस बस भी करो, 5 मिनट में आ जाऊंगी। बहुत शुक्रिया, आपका ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी।
हाँ क्यों नहीं, इतने टेस्टी सूप का वादा तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मेरे पास आपको देने के लिए ढेर सारी चॉकलेट्स हैं। खैर अब मुझे रास्ता बता दो। गुड बाय, फिर मिलेंगे। जी बिल्कुल मिलेंगे। तुमने ये क्यों कहा कि वो सूप ल्यूडा ने बनाया था? दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे थे ना, बहुत ही प्यारी जोड़ी है, इसलिए मैं भी मजे ले रही थी। चलो, चलो देखते हैं। चलो बस भी करो, अब काम करते हैं वरना कात्या आकर हमारी खबर लेगी। बहुत अच्छा निशाना था। बोतल के मुंह से मैं भी गोली पार नहीं कर सकता। हाँ? कमाल का लड़का है ये। हाँ? और मजे की बात, बाएं हाथ से गोली चलाता है। तो कैथरीन, क्या तुम इस तरह से निशाना लगा सकती हो? मुझे नहीं पता, कोशिश करती हूँ। आज रात के 10 बजे तक सारे स्नाइपर और स्काउट मेरे पास हाजिरी देने के लिए आ जाना चाहिए। यस सर। ठीक है। ये क्या है, ये गंध तुम्हें आ रही है? वहीं रुक जाओ। अरे तुम तो कैथरीना हो। हाँ। रेड मॉस्को से। और क्या, मेरे अलावा अगर यहाँ पे कोई जर्मन होता तो रेड मॉस्को के बारे में पता चलते ही तुमसे हथियार डालने के लिए कह देता, तब तुम क्या करती? मैं बंदूक फेंक दूंगी और तुम ये करोगे। इतना बुरा नहीं था। तो भाई ठीक है, रात 10 बजे तक एचक्यू में आ जाओ, तुम्हारा ये चाकू तुम्हें वहीं मिलेगा। यस कैप्टन। कैप्टन सुबोधन, तुम्हारा नया कमांडर, समझे? यस सर। ए रिकॉर्ड मैन, मेरे कपड़े खराब मत करो। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम जिस तरह से चल के आ रहे थे, तुम मुझे कुचल ही देते। आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, खुद बनाए हैं क्या? हाँ, वो लड़कियों की वजह से बनाए ऐसे। हाँ, जंगली बलाओं की वजह से। नहीं तो क्या आप भी मेरे लिए एक बना सकते हैं? क्यों, तुम्हें पसंद आए क्या? चलो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, और बाकी सबसे कहूंगा कि वो तुम पर नजर रखें। मैं तो उनकी नाक के नीचे से रेंगता रहा। हाँ 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 हाँ, मैं सच कहूँ यकीनन बता दूंगा उन्हें। क्या तुमने निशांची को देखा? अभी तक तो नहीं, लेकिन मिल जाएगा। अच्छा? उसी के लिए तो हम यहाँ आए हैं। वैसे तुमने बिल्कुल सही कहा। फूल मेरे लिए, गंधर्व नहीं, ये मेरे लिए है। रूसी लोग जैसे इस्तेमाल करते हैं ठीक वैसे ही करो। पूरे जोश में करना अलेक्जेंडर। अच्छा तुम्हें स्वेतलोगोर्स याद है? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल याद है। रूस की सरजमी पर गुजारे वो दो बेहतरीन महीने, दुश्मन के इलाके में वो हमारा पहला रेंगना था। लेकिन उस समय हम दोस्त नहीं दुश्मन थे, खास करके तुम। तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया था, वैसे वो लड़की बहुत सुंदर थी ना, सही कहा ना मैंने?
कहत्या, उसे तो तुम भी पसंद करते थे। मानना पड़ेगा ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ सही कहा, लेकिन ब्रेमेन शहर है और ये गांव है। यहाँ की खूबसूरती की बात नहीं है बल्कि सेवा भाव की बात है। वो देखो रूसी लड़की कितनी सुंदर है। यहाँ की लड़कियों से दिल की बात कर सकते हैं। दिल की बात? इन्हें देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है। ये किसी दूसरे शहर से आए हैं। अरे 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 तूने मुझे यहाँ लाके फंसा दिया है। क्या कर रहा है? छोड़ दो। अबे अरे छोड़ यार। हट, भाग जाओ यहाँ से। मैंने कहा भाग जाओ। भागो यहाँ से, भागो भागो। इनसे डर गए तुम? तुम कॉम्सोमॉल के मेंबर्स हो क्या? हमें डर नहीं लगा। हम कॉम्सोमॉल से भी नहीं है और ना ही हम हिटलर जोजन से हैं। हम रास्ता दिखाते हैं। तो तुम लोग वहाँ से हो? तो जर्मन के विशेषज्ञ जंगल घूमने निकले हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम इसी जंगल के हैं और यहाँ घूम रहे हैं। मैं गुंथर हूँ और ये है अलेक्जेंडर। कात्या। इकातरीना। वैसे वो लड़की मेरे लिए एक खिलौने जैसी ही थी। पल भर की मौज मस्ती के लिए। मुझे तो उसका चेहरा भी याद नहीं है। क्या तुम उसे पहचान सकते हो? पता नहीं, 6 साल गुजर चुके हैं। क्या तुम उसे पहचान सकते हो? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता। चलो बताओ, इससे तुम्हें क्या अंदाजा लग रहा है? ये क्या है? माचिस। माचिस? माचिस लग रही है। ये एक बांध है कैप्टन। बहुत बढ़िया, शाबाश केट, एकदम सही। ये एक बांध है। तुम काफी समझदार हो, तभी वो जर्मन तुम्हें बास की आंखों वाली कहकर बुलाते हैं। अब तुम अच्छे से समझो, एक बांध है, कोई माचिस नहीं है, समझे? सुनने में आया है कि जब जर्मन भागने की कोशिश करेंगे तो इसे उड़ाएंगे। क्या तुम जानते हो उसकी वजह से क्या होगा? हाँ, मुझे सब कुछ अच्छे से पता है। इसीलिए हमारा काम है नजर रखना, और ऐसा कुछ होने से पहले साथ में मिलकर हमें उन्हें रोकने की जरूरत होगी। कल तक सारे इंस्ट्रक्टर्स भी आ जाएंगे, इसलिए उनके साथ मन लगाकर माइनिंग सीखना, रॉक क्लाइंबिंग सीखना, ताकि तुम और तुम्हारा पूरा यूनिट कभी भी कहीं भी चींटियों की तरह पहुंच जाए, हर परेशानी के पार, समझे? अब समझ में आ रहा है कि ये धमाका किस लिए, ताकि सबक सिखा सके। इतने परेशान क्यों? जब सब समझ गए तो बोहें उठाने की जरूरत क्या है? मैं अपने हर वक्त का एकदम सही इस्तेमाल करता हूँ। देखो ये किताब इंजीनियरिंग के ऊपर है। हमारे मिशन को समझने के लिए मैंने डैम्स कैसे काम करते हैं उसके ऊपर पढ़ाई की, ताकि हम अपने मिशन में सफल हों। और मेरा ग्रुप स्काउट्स को कवर करेगा। जब जर्मन डैम तक पहुंचेंगे तब, उससे पहले नहीं। मेरा मकसद जनरल वॉन ईप को बाहर निकालना है। मैंने उसे आज सुबह बाहर देखा था, वो खुला घूम रहा था। और खिड़की पर उसकी परछाई नजर आई थी। बड़े शर्म की बात है, क्योंकि ये किताब जो मेरे हाथ में है, जानते हो उसे किसने लिखा है? जनरल वॉन ईप ने, उनका मेन वॉर इंजीनियर। एक तरह से वो प्रोफेसर और एकेडमिशियन भी है, और मैं उन्हीं की किताब पढ़ रहा हूँ। उनके हिसाब से बांध इतना जरूरी नहीं है जितना संभल के हमला करना, क्योंकि जिस वक्त हम हमला करने का फैसला लेंगे तो वॉन ईप कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा। इसीलिए अगर तुम उसे शुरुआत में ही खत्म कर देती हो तो समझ लो कि तुमने आधे से ज्यादा जीत उसी वक्त हासिल कर ली। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रूसी हमले की तैयारी कर रहे हैं। उनकी बड़ी सेना नेप्रोजेस को जब्त करने के लिए भेजी जाएगी, जबकि हम एक ऑपरेटिंग पावर स्टेशन को यूं ही नहीं छोड़ सकते। पीछे हटते समय उन्होंने इसी तर्क का इस्तेमाल किया था, क्यों सही है ना कर्नन? आपने सही कहा सर, वो जल्दी में थे। उनके पास 20,000 जवान, शांतिपूर्ण नागरिक और हमारे 2,000 कर्मचारी डूब गए। उन्होंने विस्फोटक लगाकर बांध को उड़ा दिया था, और पानी के सैलाब ने आधा जर्मनी को डुबा दिया, जिससे बहुत नुकसान हुआ। हम धमाके की योजना बेहतर बनाएंगे, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, और वो भी सीधे यहाँ पर पूरे एरिया को तबाह करेगा। और हमारे ऑपरेशन की कामयाबी तुम पर निर्भर होगी कर्नल हुटेरर, और तुम पर लेफ्टिनेंट शिमित। आज सुबह का हादसा सच में एक संकेत है, बड़ी आसानी से हमारे ऑफिसर को मार दिया है। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है हुटेरर? इस हादसे में जरूर कोई रूसी शामिल है, बिना किसी की मदद से ये नामुमकिन है। तो रूसियों की हर चाल पर नजर रखे, मुझे तुमसे और तुम्हारे ग्रुप से पूरी उम्मीद है शिमित। तुमने यूरोप, अफ्रीका और कॉक्सस में बड़े कामों को अंजाम दिया है। आपने सही कहा जनरल,
हम आज रात ही शिकार शुरू करेंगे और सुबह होते ही आपको पहले शिकार की रिपोर्ट देंगे। बहुत खूब, और याद रहे जवानों, ऑपरेशन की पर्दादारी ही हमारे इस ऑपरेशन की कामयाबी है। उन्होंने जगह जगह विस्फोटक लगाए होंगे, उन्हें जमा करने में एक महीना लग जाएगा। उसे ढूंढ के इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है तलियात ने, मैंने कहा ना सबको नहीं ढूंढना, केवल हमें दो अहम पॉइंट्स चाहिए जिन्हें अगर हम तबाह करें तो पूरी चेन डीएक्टिवेट हो जाएगी। अगला और पिछला छोर ही जरूरी है, अगर वहां पर हमने ढूंढ के उसे डीएक्टिवेट कर दिया तो पूरी चेन बंद हो जाएगी। मैं जर्मन से बात करके देखता हूँ, हो सकता है कि वो प्लान हमारे हाथ लग जाए, लेकिन वो देंगे नहीं। क्यों, तुम तो बहुत मजाकिया हो ना, उन्हें हंसाओ और उनसे पूछ के आओ। तलियात ने तुम भी ना, मैंने अपनी तरकीबें हमारे सारे इंजीनियर्स के पास भेज दी है, उन्होंने केवल दो पॉइंट्स पर इशारा किया है, लेकिन मैं इन पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहता, इसीलिए हम अपने तरीके से छानबीन करेंगे। हमारे इंजीनियर्स के हिसाब से पहला पॉइंट यहाँ होना चाहिए, इधर, और फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट तलियात ने यहाँ है, इधर, ये यहाँ, देखा। मतलब कि इंजीनियर सही थे। पर जर्मन इतने बेवकूफ नहीं है, वो जानते हैं कि उनकी कमजोरियां कहाँ है और उनकी रक्षा कैसे करनी है। कभी तुमने हंटर स्मिथ और एलेक्स वॉन फॉस इनके बारे में सुना है? केट, तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं? नहीं कैप्टन, मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, वैसे भाई तुम्हारा असली काम है उन्हें खत्म करना, क्या तुम कर पाओगी? जी हाँ बिल्कुल कैप्टन। खैर बार था, तुम्हें अपनी डेट पे जोशीला दिखना चाहिए, मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं तुमसे ज्यादा वक्त इस बंदूक के साथ ही गुजारता हूँ, जानते हो तुम। मैं ये ताजा दूध लेके आया हूँ। ओह, आजकल खरीदने से ज्यादा दूध लाना आम बात हो गई है। वैसे एक बात बताओ, अगर मिशन के दौरान तुम्हारी पैंट गीली हो गई तो क्या करोगे? मुझे अपनी गीली पैंट में बैठना पड़ेगा। तब तो रूसी बदबू सूंघते हुए तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। हैंड्स अप, मैं अपने हथियार डालता हूं। और जंगल की डायनो के बारे में? मुझे कर्नल ने उसके केस की एक शीट दिखाई थी, उसने 250 लोगों को डुबा दिया था। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि रूसी अपनी रक्षा कर सकते थे, आगे बढ़ते हुए दुश्मन को गोली मारना आसान है। मैंने 2 दर्जन से भी ज्यादा लड़ाइयां जीती हैं। सच कह रहे हो? हाँ, जिसे पता था वो मर चुका है। कोई बात नहीं, बहुत जल्द वो तुम्हें फॉलो करेगी। चलो शर्त लगाते हैं, जो उसे मारेगा तो हारने वाला उसकी 3 ख्वाहिशों को पूरा करेगा। तैयार हो? तुम्हारी ख्वाहिश समझ सकता हूँ। तुम्हें डर लग रहा है ना अब? नहीं, लेकिन एक शर्त पर कोई नाजायज फायदा नहीं उठाओगे। बिल्कुल, फिर ठीक है। काश मेरे पास उस जंगली चुड़ैल की तस्वीर होती। तुम्हें लगता है वो खूबसूरत हो सकती है? मुझे उससे शादी थोड़ी ना करनी है, उसे जहन्नुम पहुंचाना है और मैं उसे पहुंचाऊंगा। खैर कम से कम वो हमारी पैंट तो गीली नहीं करेंगे। अब टीम तैयार करने का वक्त आ गया है, चलो आ जाओ। रुको, वोल्फ, आर्नी, आप लोगों को अपना रूट पता है? यस सर। तुरंत दिखाओ मुझे। मैं यहां रहूंगा और अर्नी यहां। गंथर और मैं ऐसे ही तलाश करेंगे। ध्यान रहे कि सिर्फ हमारे शिकारी क्षेत्र में दाखिल मत होना, समझ गए तुम लोग? ठीक है सर। सलामी दो। प्लान के मुताबिक ही चलना। डिसमिस। बचपन से मेरी देखभाल एक रूसी दाईमा ने की है, उनका नाम था अनस्तासिया, उन्होंने मुझे हिंदी भाषा भी सिखाई। और मैंने अपनी थोड़ी बहुत हिंदी एलेक्स से सीखी है, जबकि इसे तो फ्रेंच भाषा भी आती है। जीव तिन फ्रांस से। तुम्हारा निशाना अच्छा था, तभी हम बचे। तुम अच्छी निशानेबाज हो, हमें बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, नहीं तो वो कुत्ते हमें चीर फाड़ कर खा जाते। नहीं, वो भाग जाते थे
उनको रेड मास्क नहीं पसंद। माफ करना, क्या कहा तुमने? मेरा मतलब परफ्यूम की खुशबू से था। इसलिए क्योंकि इसमें रेड शब्द है। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो, ये जार की पत्नी या बेवा का पसंदीदा होता है। हमारे आखिरी जार निकोलस की जीवन साथी, वो उसे महारानी का पसंदीदा गुलदस्ता कहते थे, मुझे मेरे डैड ने बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उन्हें जानते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। वो इंजीनियर हैं। हो सकता है तुम जानते हो, वो तुम्हारे लोगों के साथ जंगल में काम करते हैं। सर्जी रोडियोनो। सर्जी रोडियोनो? वो मेरे पिताजी के साथ काम करते हैं, उनका नाम रिचर्ड है। वो तुम्हारे इंजीनियर्स को सिखाते हैं? हाँ, मैं उन्हें जानती हूँ। वो चीफ इंस्पेक्टर हैं, हमारे घर आया करते थे। बहुत ही दिलचस्प इंसान है। तुम्हारी उस दोस्त फुलझड़ी ल्यूसिया से बोलो कि बंदूक पर ध्यान दे। हाँ ठीक है। बहुत ही सुस्त है वो, 200 किलोमीटर चलना भारी है उसके लिए, बेकार के बहाने बनाती है। आज तुम जल्दी उठ गई? नींद ही नहीं आई। क्यों, कोई बात है क्या? नहीं, बस युद्ध के पहले का एक बंदा याद आ गया था। खैर जाने दीजिए। तुम अभी निशाना लगाने वाली हो? हाँ, मुझे एक पॉइंट नजर आया, काफी साफ नजर आ रहा था, जबकि यहाँ से काफी दूर है। तुम पहले भी निशाना लगा चुकी हो? हम्म। तुम खतरा मोल ले रही हो। मुझे नहीं लगता किसी ने मुझे देखा होगा। चलो ये लो। अब मैं निकलती हूँ। अपना ध्यान रखना। वो कहते हैं कि अंग्रेज और अमेरिकी फ्रांस या हॉलैंड में जाकर बसेंगे, या फिर डेनमार्क में। अंग्रेजों से युद्ध करना बेहतर है, हो सकता है तब तक तुम्हारा ट्रांसफर हो जाए। क्या कहते हो? मैं उनके साथ अफ्रीका में पहले ही युद्ध लड़ चुका हूँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें पता है उन्हें कैसे पता चल जाता है कि ये ऑफिसर निजी है? क्या कहते हो इस बारे में? उनकी छड़ी से। अरे वो गुलाम होते हैं, सिर्फ सार्जेंट्स और ऑफिसर्स ही मुच्छे रखते हैं। मुच्छड़ को निशाना बनाया मतलब एक कमांडर गया। यहाँ तो दो रास्ते हैं, किस तरफ जाना है? एक मिनट रुको। अगर तुमने सही अंदाजा लगाया तो दिशा तुम चुनोगे। तुमने सही अंदाजा लगाया। मैं उस तरफ जाता हूँ। और मैं इस तरफ जाऊंगा। हे गंथर, याद रखना, जंगल के बलाओं की मूछ नहीं होती। क्या बात कर रहे हो यार, तुम तो जानते हो वो चुड़ैले हैं। अरे बाप रे, मैं फंस गया। तो तुम यहाँ पर रुको, मैं अभी आता हूँ। बस एक मिनट में आता हूँ, बस यहीं पर रुकना तुम। कैप्टन मैं हाजिर हूँ, बोलने की इजाजत चाहिए। बकवास बंद करो और मुद्दे की बात करो। बोलिए क्या कहना। मुझे एक फैसला करने की इजाजत दे। मैं जाकर जर्मनियों की स्थिति का पता लगा सकता हूँ, कोई रास्ता निकाल सकता हूँ। प्लीज मेरी बात सुनिए। लियोशा, देखने में तुम ज्यादा ही थके हुए लग रहे हो। हमारे पास आराम करने के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा है, जाओ जाकर आराम कर लो, जाओ। हो सकता है ट्रेनिंग शुरू करने के लिए इंस्ट्रक्शंस आज ही आ जाएं। तो हम लोग वहाँ कब जाएंगे? ट्रेनिंग कब है? हम कब वहाँ जाएंगे? हम जरूर जाएंगे, मुझे किसी इंटेलिजेंस की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें आराम करना है, खत लिखना है, ये मेरा आदेश है। वो सब हो गया, अब जाकर के खाना खाओ और जाकर सो जाओ। समझ में आया किराए के टट्टू? ठीक है सर। बहुत हुआ, मुझे जाने दो। तुम्हारा सिपाही तुम्हारा इंतजार कर सकता है, तुम जब तक इसे पूरा नहीं भरोगी तुम यहाँ से नहीं जा सकती, समझ गई? तुम्हें पहले युद्ध के बारे में सोचना चाहिए, प्यार तो युद्ध के बाद भी होता ही रहेगा। हो सकता है शायद मैं कल मर जाऊँ, तो क्या मुझे आज खुश रहने का हक नहीं है? लीका वापस रखो से। सोचो अगर रात का समय हो तो और ये हाथ से छूट गया तो क्या क्या करोगी? जाओ जाने दो। बढ़िया, तुमने कर दिखाया, तुम अब उससे मिल सकती हो। तुम्हारे पास बस 15 मिनट है, जल्दी वापस आ जाना। हाँ, तब तक हम जरा आराम कर लेते हैं, आ जाओ। बहुत अच्छा है सच में, मानो कि कोई युद्ध ही ना हो रहा है।
मैं जरा देख लेता हूं कि वो सेट हुआ है कि नहीं। क्या बात है, वुल्फ गैंग, ये तो वाकई अच्छी जगह है। और अर्नी कहाँ है? सब सही जगह पर सेट है। अलेक्जेंडर तो कमाल का, इसने खुद को दिल की तरह छुपा लिया। माफ करना कोलिया, मैं ट्रेनिंग पर थी इसलिए देर हो गई। ये तुम्हारे लिए। बहुत सुंदर है ये। देखो, इससे ज्यादा देना चाहता था। ज्यादा देना चाहते थे? क्या मतलब? तुम तो कुछ ज्यादा ही तेज हो, मैंने सोचा नहीं था। हम स्काउट्स ऐसे ही होते हैं। और हम हैं स्नाइपर्स, सीधा नजरों से मारते हैं। अच्छा, लेकिन हम में भी बहुत सब्र होता है। और हम चालाक भी होते हैं। खैर, बार था इस लड़के के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये डायन तो नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं। जल्दी कहां की है बच्चे? असली कसाई है, ठीक है, लेकिन उससे दूर रहना। माफ करना मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा तादाद में हमें यहां पर और यहां पर रहना चाहिए। उसके बाद में बाकियों के बारे में सोचूंगा कि क्या करना है। बात समझ में आई? जी जनरल साहब, बिल्कुल। अपने साथ बेहतरीन सैनिक ले जाना, मेरे लिए उस पर नजर रखना जरूरी है।